Okay, students. So the next topic in functions is return statement. Okay, so first of all, what is return statement and how do we use it? Return statement is a statement or a keyword which is used to return a value from a function. तो जब भी हम कोई function लिखते हैं तो अगर हमें उससे कोई value return करवानी है, that means वो function कुछ तो evaluate करता है, कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है. कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद वी वांट कि वो पूरा फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करे, एक वैल्यू दे, कंप्यूट करे, और वो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए एट द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट फंक्शन. तो उसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं. सो दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल. ऐसा नहीं है कि हम जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं उसमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना कंपल्सरी है, बट अगर हम उसको यूज करते हैं तो जब भी हमें कोई फंक्शन से वैल्यू चाहिए होती है इन रिटर्न, then this works. Okay, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका syntax क्या होता है. What is the syntax which is used for return statement? So this is the syntax you can see here. Sorry. So इसके लिए आप देख सकते हो कि क्या syntax है. सबसे पहले we will write the return keyword. Then after return keyword we will give a space. If you are not using a space then you have to write a bracket also like this return. And if you don't want to use a space, then whatever value you want to return, the variable or the expression you will write inside this. Okay. But if you don't want to use this bracket, then you just have to give a space in between this. So return space. Now this is a square bracket. Square bracket का मतलब है कि इसके अंदर जो भी हम दे रहे हैं वो completely optional है. मतलब आप variable भी दे सकते हो, आप वैल्यू भी डायरेक्टली पास कर सकते हो, या आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हो. दैट आई मीन टू से आप ऐसे भी लिख सकते हो. लेट्स से यू वांट टू रिटर्न जीरो, सो यू विल जस्ट राइट जीरो. यू वांट टू रिटर्न वन, सो यू विल जस्ट राइट वन स्पेस वन. और यू वांट टू रिटर्न अ पर्टिकुलर वेरिएबल, सो यू विल राइट रिटर्न ए. सो ए में जो भी वैल्यू होगी अगर वो उस फंक्शन के अंदर होगी, सो दैट विल बी रिटर्न. इफ यू वांट टू रिटर्न एन एक्सप्रेशन देन यू कैन यूज रिटर्न ए प्लस टू. So whatever expression value will be calculated, that will be returned by this particular return statement. So this is how return statement is used. So it is used to return a value from a function to the caller. Caller मतलब जहाँ पे आपने call किया होगा, या ये control block जो है वो return करता है. Now let's see how it works. तो example देखते हैं. तो आपका problem क्या दिया है? आपको area of circle find करना है और pass करना है radius as an argument to the function. मतलब एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो फंक्शन स्पेसिफिकली क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा एरिया ऑफ सर्कल. नाउ दिस ऑलरेडी यू हैव डन इन योर फर्स्ट यू नो प्रोग्राम ओनली और फर्स्ट यूनिट प्रोग्राम, जिसमें आपने सिंपल एक प्रोग्राम लिखा था, उस प्रोग्राम के अंदर आपने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया था. पर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वी आर यूजिंग अ फंक्शन. हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि स्पेसिफिकली एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट करेगा. तो जो भी आप आर की वैल्यू, जितनी बार भी आप अलग अलग वैल्यू पास करोगे, जितनी बार भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. तो आपको बार बार सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एक फंक्शन बना दिया. सो यहाँ पे आप देख सकते हो रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट आ रहा है. आप एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करके, अलग अलग वैल्यू पास करके, अलग अलग चीजें कैलकुलेट करवा सकते हो इफ यू वॉन्ट टू जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, तो अभी इसका प्रोग्राम देखते हैं. तो सी द प्रोग्राम. तो प्रोग्राम में आप देख सकते हो सबसे पहले क्या दिया है, डेफ. ठीक है, और यहाँ पे हमने फंक्शन का डेफिनेशन दिया जो कि दो लाइन है, एरिया वाला स्टेटमेंट और प्रिंट. तो ये दो बॉडी ऑफ फंक्शन हो गया. नाउ दिस बॉडी विल ओनली बी एग्जीक्यूटेड, और दिस होल फंक्शन एरिया अंडरस्कोर सर्कल, ए आर अंडरस्कोर सर्कल विल ओनली बी एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर यू विल कॉल दिस. इफ यू डोंट कॉल दिस, दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो अभी पहले हम फंक्शन डिफाइन करते हैं. तो ए आर अंडरस्कोर सर्कल, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं. यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास किया है और आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू दिया है, और वो वैल्यू है, सॉरी द वैल्यू इज आर. That means the variable is r and there will be some value which will pass to that r. ठीक है, so r will contain the value, then colon. अब ये दो statements इसके अंदर दिए हमने, area is equal to 3.14 directly लिखा है, into r, so it will perform the calculation of area. Then we have written a print statement, so it will write area of circle is 3.2f, mod 3.2f. यहाँ पे देखिए हम formatting operator use कर रहे हैं. That is mod 3.2f. That means ये क्या करेगा, 3.2f, f means float, तक का precision लेगा, उतना ही value लेगा. अगर बहुत typical r की कोई value दी है तो ये उतना ही precision लेके उतना value ये produce करेगा. और उसके बाद double quotes close कर दिया, और फिर हम किसको format कर रहे थे, area को. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, mod area. ये हमने जो स्ट्रिंग वाली यूनिट में पढ़ा वो वाला पार्ट यहाँ पे यूज किया है. सो इट इज जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया, टेक द प्रिसिशन ऑफ दैट डेसिमल वैल्यू टू 3.2f,
एंड इट विल जस्ट राइट दैट वैल्यू। तो अगर मैंने यहाँ पे एरिया सर्कल कॉल किया और यहाँ पे वैल्यू क्या पास किया, 3, सो दिस 3 वैल्यू विल गो टू आर। नाउ दिस फंक्शन विल बी इनवोक्ड विद द आर वैल्यू 3, सो व्हाट विल हैपन, 3.14 इनटू 3 इनटू 3, सो इट विल बी कैलकुलेटेड एंड द आंसर विल बी 28.26। सो इट व्हाट इट विल प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल इज 3.2f, जो था वो नहीं प्रिंट होगा क्योंकि ये हमने फॉर्मेट किया है। तो हमने किसको फॉर्मेट किया, दिस एरिया वैल्यू, सो व्हाट इट विल प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल इज 28.26। तो इसने आंसर यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया एंड इट इज सिंपली गिविंग द आंसर। तो अभी हमने यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया, हमने सिंपल एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया और उसको यूज किया। अब हम देखेंगे कि रिटर्न कैसे यूज करते हैं। सो रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट अपियर इन साइड द फंक्शन। और एक चीज याद रखनी है कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करने वाले हैं, ये रिटर्न स्टेटमेंट आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज इट ओनली इन साइड अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है एंड यूजली इट इज रिटन इन द लास्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन का डेफिनेशन होता है उसके लास्ट में ही लिखा जाता है, ओके और अगर आप लास्ट में लिखते हो तो इसका मतलब उसके बाद फंक्शन का कुछ भी पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा या उसके बाद कुछ भी नहीं है फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर आप रिटर्न पहले लिख देते हो और रिटर्न के बाद भी आप कुछ फंक्शन का पार्ट लिखते हो तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड कि आप रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फंक्शन से एग्जिट कर रहे हो। तो यही यहाँ पे सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, वंस यू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन इट इमीडिएटली एग्जिट्स दैट फंक्शन। एक बार आप कोई वैल्यू रिटर्न कर देते हो फंक्शन से, वो इमीडिएटली फंक्शन से एग्जिट कर जाता है। इसीलिए अगर आप कोई भी कोड लिखोगे रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एक फंक्शन के अंदर, इट इज नेवर एग्जीक्यूटेड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल दिया है। सो सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे एक फंक्शन लिया है डेफ, फंक्शन का नाम दिया डिस्प्ले, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, डायरेक्ट वॉइड है, वॉइड मीन्स कुछ भी हमने वैल्यू या वेरिएबल नहीं लिया है, कोलन, हमने एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट बिफोर रिटर्न, एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट कराया बिफोर रिटर्न, फिर हमने सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट लिखा एंड देन वी आर राइटिंग प्रिंट आफ्टर रिटर्न। नाउ सी, रिटर्न के बाद मैंने कुछ पास नहीं किया, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप कुछ भी पास करो, रिटर्न का मतलब यू आर एग्जिटिंग द स्टेटमेंट, यू आर एग्जिटिंग द फंक्शन। इसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा प्रिंट आफ्टर रिटर्न, सो दिस प्रिंट आफ्टर रिटर्न विल नॉट बी, आफ्टर रिटर्न विल नॉट बी प्रिंटेड ऑन योर आउटपुट, यू कैन ट्राई दिस। व्हाई, बिकॉज जैसे ही हमने ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखा, सो रिटर्न स्टेटमेंट का मीनिंग है यू आर एग्जिटिंग द फंक्शन, यू आर रिटर्निंग द वैल्यू और यू आर रिटर्निंग द फंक्शन विद सम वैल्यू। तो हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की है बट इट विल एग्जिट द फंक्शन। सो उसके बाद जब हमने यहाँ डिस्प्ले बाहर कॉल किया तो इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ओनली इट विल प्रिंट बिफोर रिटर्न, इट विल नॉट प्रिंट आफ्टर रिटर्न। व्हाई, बिकॉज दिस इज रिटर्न आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं जहां पे हम रिटर्न एक्चुअली यूज करेंगे। सो फाइंड वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन, पास नंबर एज आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि ये चेक करेगा कि जो नंबर दिया है उस फंक्शन को, क्या वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। ये भी हम कर चुके हैं बट अभी हम इसको फंक्शन से कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, एक नंबर। तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो फंक्शन का डेफिनेशन के लिए हमने एक फंक्शन का नाम दिया डेफ, इवन ऑड नाम दिया और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास किया। नाउ दिस आर्ग्यूमेंट इज नंबर, सो यू कैन सी दिस इज अ नंबर। नाउ दिस नंबर इज अ वेरिएबल, अब इस वेरिएबल में हम जो भी नंबर वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू उस नंबर को जाएगी, दैट विल बी यूज्ड व्हेन वी कॉल द फंक्शन। तो अभी हमने कॉल नहीं किया है। नाउ यहां से लेके यहां तक के जो स्टेटमेंट्स हैं, फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन इवन ऑड, डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो हमने यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज किया, इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, हम नंबर जो भी मिलेगा उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से और उसका रिमाइंडर अगर 0 होता है तो वो प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट के लिए हमने क्या यूज किया, ये पूरा प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमने किस में दे दिया, एक वेरिएबल में, मैसेज इज इक्वल टू प्रिंट नंबर इज इवन नंबर, जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा और उसके आगे क्या लिखा जाएगा, इज इवन नंबर। और ये पूरा एक मैसेज, मतलब ये एक स्ट्रिंग हो गया, तो वो स्ट्रिंग हमने किसको दे दिया, एक वेरिएबल मैसेज को, एल्स वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज ऑड नंबर। और फिर हमने इस पूरे फंक्शन से क्या रिटर्न करवाया, कैसे रिटर्न यूज किया, देखो ये फंक्शन के अंदर ही लिखा है, क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट दिया स्पेस वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या दिया, मैसेज। तो या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स, इन दोनों में से जो भी एग्जीक्यूट होगा उसमें मैसेज में एक वैल्यू आएगी, वैल्यू स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में एक स्टेटमेंट आएगा और वो स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगा बाय दिस होल फंक्शन इवन ऑड। अब इसके बाद हमने डायरेक्टली बाहर फंक्शन को कॉल किया है,
फंक्शन को कॉल कैसे किया, वी हैव जस्ट रिटन इवन ऑड और ब्रैकेट में हमने एक वैल्यू पास की एंड दैट वैल्यू इज 23। नाउ दिस वैल्यू विल बी पास्ड टू द वेरिएबल नंबर, नंबर को ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ 23 मॉड 2 करेंगे तो वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, उसका रिमाइंडर में कुछ वैल्यू आएगी, सो द कंडीशन विल बी फॉल्स एंड बिकॉज दिस विल बी फॉल्स सो एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। तो मैसेज में क्या आंसर आएगा, मैसेज में आएगा नंबर, नंबर में क्या वैल्यू है 23, सो 23 इज ऑड नंबर। दिस होल स्ट्रिंग which is printed will be passed to the message and this message will be returned. तो आपका output क्या आ रहा है, 23 is odd number. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कुछ print statement देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने already message में वो print statement दे दिया था, तो return message में आपका ये output create करेगा, 23 is odd number. Okay, so this is how return works. So now we will see another topic of function. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में भी आता है ये क्वेश्चन, थ्योरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, आपको डिफरेंस आ सकता है या आपको डायरेक्ट बोला जा सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनमें से आप ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल, या आपको नाम लेके भी पूछा जा सकता है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक्सप्लेन करो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एक्सप्लेन करो। तो पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट मीन्स ये जो हम ब्रैकेट में पास करते हैं ना फंक्शन के, इसी को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो कितने टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट इज योर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, ओके, सिंपल वाला जो होता है वो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट होता है। सेकंड इज योर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ओके, थर्ड इज योर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड फोर्थ इज योर वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। सो लेट्स सी वन बाय वन विद एग्जांपल। सबसे पहले रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब सिंपल वाला जो अभी तक हम देख रहे थे। तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब जो भी आप फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट दोगे उसी टाइप का वैल्यू आपको पास करना है। अगर आपने आर्ग्यूमेंट दिया और आपने वैल्यू पास नहीं किया तो वो एरर देगा, ठीक है। अगर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया पर फिर भी वैल्यू पास किया तो भी वो आपको एरर देगा। वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपने आर्ग्यूमेंट दिया भी है और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास भी की है। तो ये तीनों एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। सो पहले देखते हैं रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट अगर डिफाइन करने को आया तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट। यू विल राइट आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू अ फंक्शन इन करेक्ट पोजिशन ऑर्डर। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें हम सिर्फ जो भी हम यू नो फंक्शन यूज कर रहे थे उसमें अभी तक हम सिर्फ एक एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहे थे, बट देयर कैन बी एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा है तो आपको उसका पोजिशन ऑर्डर मेंटेन करना है। मतलब अगर आप एक्स और वाई दो आर्ग्यूमेंट ले रहे हो तो एक्स की वैल्यू आप पहले दोगे फंक्शन कॉल के वक्त और वाई की वैल्यू आप बाद में दोगे कॉमा करके सेकंड वैल्यू। अदरवाइज अगर आपने उल्टा दिया तो मशीन को वो उल्टा ही मिलेगा, इट विल एग्जीक्यूट लाइक वाइज, ठीक है। सो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन कॉल शुड एग्जैक्टली मैच विद द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द फंक्शन डेफिनेशन। अगेन अगर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके दो तीन है, तो अगर हमने फंक्शन कॉल के वक्त दो दिए लेकिन जो आपने फंक्शन डेफिनेशन दिया है उसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है, अगेन इट इज गोइंग टू गिव यू एरर। तो जितने आपने आर्ग्यूमेंट फंक्शन डेफिनेशन में लिए हैं उतने ही आपको फंक्शन कॉल के टाइम पे भी लेने हैं व्हेन वी आर नॉर्मली यूजिंग द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। तो अभी एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये तीन अलग अलग एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखो, इसमें दिया है डेफ, ठीक है। डेफ हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नाम लिया है डिस्प्ले फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। सो आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया इसका मतलब जब हम कॉल करेंगे तो भी हमें आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने वॉइड रखा है उसको, कुछ भी नहीं दिया। और इसके अंदर सिंपली लिखा है प्रिंट हेलो, तो ये आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे, प्रिंट हेलो, फाइन। और फिर नीचे कॉल किया डिस्प्ले और फिर दिया हाय। अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले जब कॉल किया तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू दे दी और वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, दैट मींस आई वांट टू गिव वैल्यू टू दिस फंक्शन। बट यहाँ पे तो हमने आर्ग्यूमेंट लिया ही नहीं है तो इट इज नॉट मैचिंग। जब हमने आर्ग्यूमेंट लिया ही नहीं ऊपर, सो वी कैन नॉट पास द वैल्यू हियर, सो इट इज गोइंग टू गिव यू एरर। तो क्या एरर देगा वो, डिस्प्ले टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स बट वन गिवन, एक हमने दिया है बट वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में कुछ दिया ही नहीं है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, डेफ डिस्प्ले एसटीआर, यहाँ पे हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया है सो दैट मीन्स एसटीआर में कोई तो वैल्यू आएगी और फिर हम उसी वैल्यू को प्रिंट भी करा रहे हैं, प्रिंट एसटीआर किया हमने, ठीक है। अगेन इफ यू वांट टू ट्राई इट इन जीडीबी यू हैव टू पुट ब्रैकेट, अगर आप किसी नॉर्मल एडिटर पे काम करोगे तो आपको ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। फिर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। नाउ व्हेन वी आर कॉलिंग इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी शुड गिव एन आर्ग्यूमेंट वैल्यू हियर, वी शुड गिव अ वैल्यू व्हिच विल बी गिवन टू दिस एसटीआर, बट वी आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, सो अगेन दिस होल प्रोग्राम विल गिव अस एरर। और क्या एरर देगा, टाइप एरर, डिस्प्ले फंक्शन टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, जीरो गिवन। वो ये बोल रहा है कि डिस्प्ले फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है
लेकिन आपने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, जीरो गिवन. ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल देखो. थर्ड एग्जांपल में डिस्प्ले फंक्शन यूज किया और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया str और प्रिंट किया str को, और फिर str बाहर आके फंक्शन के हमने str वेरिएबल एक लिया और str में एक वैल्यू भी दिया है. क्या वैल्यू दिया है? हेलो, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. एंड डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और फिर ये str वेरिएबल इसको पास कर दिया. सो नाउ दिस str वेरिएबल विल हैव द वैल्यू हेलो. सो ये हेलो वैल्यू किसको जाएगी? str को. और वो क्या प्रिंट कर देगा? str. तो क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक लिया था और वही आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पास भी किया है, सो इट इज मैचिंग, सो इट विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड इट प्रिंट हेलो. नाउ सी वन बाय वन, हम एक देख चुके हैं रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट. नाउ वी विल सी व्हाट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? डिफॉल्ट मीन्स अगर हमको कोई वैल्यू बाई डिफॉल्ट पहले से रखनी है कि इन केस प्रोग्राम के कॉल के टाइम पे मैंने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नहीं दी, तो वो क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट जो हमने वैल्यू डेफिनेशन के टाइम पे दी हुई है वो उसी वैल्यू को कंसिडर करेगा. डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, कि अगर आपने कुछ अलग से वैल्यू नहीं दी, दैट विल बी टेकन, डिफॉल्ट वैल्यू विल बी टेकन. सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट यही है कि अगर आप एक्सप्लिसिटली फंक्शन के कॉल के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं देते हो तो वो क्या करेगा? जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपने डेफिनेशन के टाइम पे दी है वो उसको कंसिडर करेगा और अपना फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा. तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया उसी को तीन लाइंस में एक्सप्लेन किया है. और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए हम इक्वल टू, दैट मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डिफाइन कैसे करेंगे. तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज समथिंग इन विच पाइथन अलाउज द यूजर टू स्पेसिफाई फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स विद डिफॉल्ट वैल्यू. जो कि मैंने आपको बोला जब हमें डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, दैट मीन्स अ फंक्शन कैन बी कॉल विद फ्यूअर आर्ग्यूमेंट्स देन इट इज डिफाइंड टू हैव. मतलब मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, लेट्स से मैंने कोई भी एक फंक्शन बनाया और उसमें तीन पैरामीटर रखे एक्स वाई जेड. ठीक है, यहाँ पे कुछ तो बॉडी लिखा, बट जब मैं कॉल कर रही हूँ इस फंक्शन को, सॉरी ये हमारा डेफिनेशन हो गया, जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो मैंने तीनों आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू नहीं दी, मैंने दो ही आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू दी और एक आर्ग्यूमेंट को मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी. लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया जेड इज इक्वल टू वन, तो दैट मीन्स आई एम मेकिंग दिस जेड इज इक्वल टू वन एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. क्योंकि अगर मैं जेड की वैल्यू पास नहीं करूंगी तो वो बाई डिफॉल्ट जेड की वैल्यू वन ले लेगा, लेकिन अगर मैंने जेड की वैल्यू पास की यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग के वक्त तो वो वही वैल्यू लेगा. तो अगर मैंने यहाँ पास किया टू थ्री एंड फोर, सो टू विल बी असाइन टू एक्स, थ्री विल बी असाइन टू वाई एंड फोर विल बी असाइन टू जेड. नाउ जेड की वैल्यू वन नहीं ली जाएगी क्योंकि मैंने जेड की वैल्यू दी है. ठीक है, बट इफ आई कॉल द फंक्शन एंड आई जस्ट राइट टू कॉमा थ्री, तो टू कॉमा थ्री किसको किसको जाएगी? टू एक्स को जाएगा और थ्री वाई को जाएगा, और जेड की वैल्यू क्योंकि मैंने दी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो व्हाट इट विल टेक? डिफॉल्ट वैल्यू. तो ये काम तभी करेगा जब आपने ऑलरेडी उसको डिफॉल्ट बनाया हुआ है यूजिंग इक्वल टू एंड गिविंग सम वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट. इफ यू आर नॉट गिवन इट, इट विल गिव यू एरर, जो कि हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट में देख चुके हैं. ठीक है, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो तीन आर्ग्यूमेंट है तो आपको तीन वैल्यू पास करनी है, लेकिन क्योंकि आपने डिफॉल्ट बना दिया थर्ड आर्ग्यूमेंट को, तो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो डिफॉल्ट की तरह काम करेगा वन अगर आप वैल्यू नहीं देते हो तो, और अगर आप वैल्यू देते हो एक्सप्लिसिटली जैसे हमने यहाँ पे फोर दिया तो फिर यही वैल्यू जेड की कंसिडर की जाएगी. अगर आप नहीं देते हो इस वाले केस में तो जेड की वैल्यू क्या कंसिडर की जाएगी? वन, एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू थ्री. सो यही कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस पर्टिकुलर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की स्लाइड में. नाउ लेट्स सी एग्जांपल व्हिच विल एक्सप्लेन यू बेटर. सो यहाँ पे दो अलग अलग एग्जांपल हैं. सो पहले हम फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, दिस वन. ओके, तो यहाँ पे एक कमेंट लिखा है डिफॉल्ट वैल्यू, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. डेफ किया, डेफ स्पेस एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन का नाम क्या दिया है? DISP1, डिस्प्ले वन. ओके, देन हमने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास किया. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं फंक्शन में. एक आर्ग्यूमेंट लिया है नेम और उसको मैंने इक्वल टू करके कुछ भी नहीं लिखा, तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, इसकी वैल्यू पास करनी ही पड़ेगी. दूसरा आर्ग्यूमेंट लिया कोर्स, और कोर्स आर्ग्यूमेंट मतलब ये एक वेरिएबल हो गया, नेम भी एक वेरिएबल है और उसको एक वैल्यू दी है, सॉरी उसको एक वैल्यू दी है. उसको क्या वैल्यू दी है? उसको वैल्यू दी है बीई. तो ये बीई स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग हमने ये डबल कोट्स पे लिखा तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग हो गया, ये कोर्स नाम के वेरिएबल को असाइन हो गई, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होगी कोर्स की.
डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब अगर आप कोर्स की वैल्यू कॉलिंग के वक्त पास नहीं करते हो तो कोर्स की वैल्यू बी ही कंसिडर की जाएगी, लेकिन अगर आपने कोर्स की वैल्यू कुछ पास की कॉलिंग के वक्त तो वही वैल्यू कंसिडर की जाएगी जो आप पास करते वक्त दे रहे हो, देन बी ही विल नॉट बी कंसिडर। ओके, सो नाउ बी दिस कोर्स आर्ग्यूमेंट बिकम्स योर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज योर रेगुलर आर्ग्यूमेंट और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट विच हैज टू बी गिवन। ओके, नाउ डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं। प्रिंट स्टेटमेंट वन बोल रहा है नेम इज नेम, तो वो क्या करेगा, प्रिंट नेम इज नेम, इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन वॉट एवर नेम वैल्यू विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन, दैट वैल्यू विल बी प्रिंटेड हियर विद नेम इज नेम, एंड कोर्स की वैल्यू जो भी आपको अगर दी है तो वो प्रिंट होगी, अदरवाइज बाई डिफॉल्ट बी प्रिंट होगी। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इनसाइड द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, एंड आफ्टर दिस क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, डिस्प्ले वन फंक्शन, और आप देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू दी है, तो एक ही वैल्यू देने का मतलब है ये तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट पे जाएगी, तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट आपका कौन सा है, नेम। सो मनीष वैल्यू विल बी पास टू नेम वेरिएबल। ओके, मनीष वैल्यू विल बी पास टू नेम वेरिएबल, एंड क्योंकि ये मैंने कोर्स की कोई वैल्यू ही नहीं दी है तो डिफॉल्ट वैल्यू विल बी टेकन, दैट इज बीई। ओके, सो व्हाट इट विल प्रिंट, ये पूरा प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट नेम इज नेम में क्या वैल्यू आ गई, मनीष, एंड कोर्स इज, कोर्स की वैल्यू हमने नहीं दी थी तो कोर्स की वैल्यू बाई डिफॉल्ट क्या ली गई है, बी। It will print these two statements. Got it? Now see the next program, which is on the right-hand side. तो इसमें आप देखो, अगेन हमने सेम फंक्शन क्रिएट किया है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे नीचे जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, सी हियर व्हेन वी आर कॉलिंग द डिस्प्ले फंक्शन वी आर गिविंग द टू वैल्यूज, सो टू वैल्यूज मीन्स पहली वैल्यू तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है अनीश, सो अनीश विल बी पास्ड टू व्हाट, सॉरी, अनीश विल बी पास टू द वेरिएबल नेम। ओके, सो नेम में क्या वैल्यू आ गई, अनीश, और यहाँ पे हमने पास किया है स्ट्रिंग में SE, सो हियर वी आर एक्सप्लिसिटली गिविंग द वैल्यू ऑफ कोर्स, तो अब क्योंकि मैं SE वैल्यू दे रही हूँ कोर्स आर्ग्यूमेंट के लिए, सो BE वैल्यू जो डिफॉल्ट थी वो कंसिडर नहीं होगी, व्हाट वैल्यू विल बी कंसिडर, SE, तो अब कोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, SE, और नेम इज क्या प्रिंट हो जाएगा, अनीश, और कोर्सेस क्या प्रिंट हो रहा है, एस। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स में बीई प्रिंट नहीं हो रहा है जो कि डिफॉल्ट वैल्यू था, ये सब तभी यूज होगा जब आप कोर्स की वैल्यू नहीं देते हो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का ये एडवांटेज होता है कि अगर आप नहीं देते हो एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू लिया जाता है इफ इट इज डिक्लेयर्ड बाई डिफॉल्ट, बट अगर आपने कोई वैल्यू दिया सो दैट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट करके, इफ यू हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स देन दे मस्ट बी रिटन आफ्टर नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, हमेशा ये याद रखना है, अगर आपके पास एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं और एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में लेट्स से एक्स है वाई है और जेड है, जिसमें कि मुझे वाई को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाना है और एक्स और जेड को मुझे रेगुलर आर्ग्यूमेंट बनाना है, मतलब रिक्वायर्ड बनाना है, तो जितने भी नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं दे मस्ट बी रिटन फर्स्ट, ठीक है, और जो डिफॉल्ट वाला है वो हमेशा लास्ट में दिया जाता है, अदरवाइज प्रोग्राम माइट गेट कंफ्यूज कि किसको डिफॉल्ट बनाना है और कौन सी वैल्यू किसको देनी है। ओके, तो अगर मुझे वाई को डिफॉल्ट बनाना है, लेट्स से वाई की वैल्यू मुझे टू देनी है और एक्स और जेड को रेगुलर आर्ग्यूमेंट बनाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा जेड कॉमा वाई इज इक्वल टू टू, सो व्हाट विल हैपन, अगर आप एक्स और दो जो भी आप दो वैल्यू पास करोगे, दो तो वैल्यू आपको कंपल्सरी पास करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, वो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू एक्स को जाएगी सेकंड वैल्यू जेड को जाएगी, अगर आपने वाई की वैल्यू पास नहीं की तो टू कंसिडर की जाएगी, और अगर आपने थर्ड वैल्यू पास की तो वाई की वही वैल्यू कंसिडर की, दिस इज योर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, सो सी वन मोर एग्जांपल इज हियर, सेम चीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, यू कैन सी हियर डेफ जो आपका फंक्शन है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं नेम कोर्स और मार्क्स, अभी आप यहाँ पे देखो जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो कौन सा है, कोर्स, क्योंकि इसको एक वैल्यू दी है इक्वल टू करके, इसको बीच में रखा, इसको बीच में नहीं रखना चाहिए, इट विल गिव यू एरर, ठीक है, और जो नॉन डिफॉल्ट था वो उसके बाद रखा है, तो नेम इज नेम कोर्स इज कोर्स मार्क्स आर मार्क्स, ये आपके तीन स्टेटमेंट है इस फंक्शन के अंदर, और डिस्प्ले जब किया तो डिस्प्ले करते वक्त माही फर्स्ट वैल्यू दिया तो माही वैल्यू तो नेम को मिल जाएगा, लेकिन 90 वैल्यू वो किसको मिलेगा, कोर्स को देना है या मार्क्स को देना है, तो प्रोग्राम विल गेट कंफ्यूज, तो आप देखो जब ये हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो वो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉलोइंग द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, हमेशा जितने भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है वो लास्ट में रखे जाएंगे और नॉन डिफॉल्ट वाले पहले, तो अब सेकेंड सिनारियो देखो, राइट हैंड साइड वाला प्रोग्राम, इसमें जितने भी नॉन डिफॉल्ट थे, जितने भी नॉन डिफॉल्ट थे जो कौन कौन से थे, नेम और मार्क्स, उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, उसको पहले रखा है, और जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है उसको लास्ट में प्लेस किया है,
सो नाउ देयर विल बी नो कंफ्यूजन, नेम वैल्यू में माही आ जाएगा और 90 वैल्यू किसको चली जाएगी, मार्क्स को, और हमने यहाँ पे कोर्स की वैल्यू पास नहीं की है तो ऑब्वियसली बाई डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू कंसिडर होगी, बी। तो नेम में माही आ गया, मार्क्स में 90 आ गया और कोर्स में बी है, तो जब आप ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगे, नेम इज माही, कोर्स इज बी एंड मार्क्स आर 90। ओके, सो दिस इज हाउ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वर्क्स। अगेन दिस इज वन मोर एग्जांपल, यू कैन प्रैक्टिस इट। नाउ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, सो थर्ड कैटेगरी और थर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट आपका जो है वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नाउ व्हाट इज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट तब हमें यूज करना है जब हमें पोजिशन याद नहीं रखनी है कि हमने कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए फंक्शन में, और उसकी पोजिशन मैटर नहीं करती है कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो अगर आप पोजिशन को यूज नहीं करना चाहते हो या आपको याद नहीं है तो आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हो। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या करते हैं, हम अगर एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, जब हम कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त हम वैल्यू विद वेरिएबल नेम पास करते हैं। कीवर्ड मतलब हम कैसे लिखते हैं, वी गिव की इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब हम वेरिएबल का नाम भी देते हैं, यहाँ पे आपका वेरिएबल आएगा और यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। सो ये कब यूजफुल होता है, जब आपको ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, किस ऑर्डर में आपने दिया, 1 2 3 पोजिशन वाइज दिया या नहीं दिया, ये मैटर नहीं करवाना है। सो व्हेन वी कॉल अ फंक्शन विद सम वैल्यूज, द वैल्यूज आर असाइंड टू द आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन देयर पोजिशन, जो कि अभी तक हमने किया। बट पाइथन ऑल्सो अलाउज यू टू यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जिसमें की ऑर्डर ऑफ और पोजिशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी चेंज्ड। तो ये कैसे यूज होगा, सी सी नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल है। सो एग्जाम्पल में डेफ कीवर्ड है, डेफ कीवर्ड में फंक्शन 1 क्रिएट किया। ओके, नाउ फंक्शन 1 में F1 नाम दिया फंक्शन को, F1 इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और दो आर्ग्यूमेंट्स दिए, नेम 1 नेम 2, दीज आर टू वेरिएबल्स, नेम 1 एंड नेम 2। इसका मतलब नेम 1 अगर रेगुलर प्रोसेस करें तो नेम 1 में जो भी हम वैल्यू फंक्शन कॉलिंग के वक्त पहली वैल्यू देंगे वो नेम 1 को जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू देंगे पोजिशन वाइज वो नेम 2 को जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा। लेकिन अगर हमें ये नहीं करना, पोजिशन मैटर नहीं करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका ऑर्डर कहीं पर भी लिखे, सिर्फ हमें वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू का नाम देना पड़ेगा। तो सी यहाँ पे जब हमने फंक्शन डेफिनेशन दिया तो दो आर्ग्यूमेंट्स दिए, और इस फंक्शन के अंदर एक ही लाइन दिया है, प्रिंट नेम 1 कॉमा नेम 2, व्हाट एवर नेम 1 विल बी देयर दैट विल बी प्रिंटेड, नेम 2 विल बी प्रिंटेड। जब हमने फंक्शन को कॉल किया, दिस इज फंक्शन कॉलिंग, जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो वी हैव रिटन हियर F1 एंड इनसाइड ब्रैकेट हाउ आई एम राइटिंग इट, की मतलब वेरिएबल का नाम, आर्ग्यूमेंट का नाम इज इक्वल टू वैल्यू का नाम। तो मैंने पहला कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया, नेम 2, जबकि एक्चुअली वो नेम 2 सेकंड पोजीशन पर है, बट आई हैव टेकन इट द फर्स्ट वे। सो यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करेगी क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि नेम 2 वेरिएबल को क्या वैल्यू देनी है, मीरा, और नेम 1 वेरिएबल को क्या वैल्यू देनी है, राधा। ओके, सो व्हेन दिस होल प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड इट विल प्रिंट, प्रिंट तो नेम 1 पहले कर रहा है तो नेम 1 में वैल्यू क्या है, राधा, सो विल प्रिंट राधा फर्स्ट एंड देन कॉमा स्पेस के बाद वो क्या प्रिंट करेगा, मीरा। गॉट इट, दिस इज हाउ इट विल एग्जीक्यूट इट। नाउ अगेन मैंने इस फंक्शन को कॉल किया F1, सेम इसके बाद वापस से इस फंक्शन को कॉल किया, और मैंने यहाँ पे क्या पास किया, राधा एंड मीरा। आई एम यूजिंग द कीवर्ड, ये आपका हो गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, दिस इज एक्टिंग एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे की भी दे रही हूँ और उसकी वैल्यू भी दे रही हूँ। बट हियर इन द नेक्स्ट फंक्शन कॉलिंग आई एम नॉट टेकिंग इट एज कीवर्ड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैंने यहाँ पे राधा दिया तो राधा वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, नेम 1 को, और मीरा वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, नेम 2 को। तो प्रिंट भी ऐसे ही किया, नेम 1 नेम 2, तो राधा एंड मीरा विल बी प्रिंटेड, दिस इज करेक्ट दिस इज करेक्ट। ये आपका एग्जाम्पल हो गया कीवर्ड का, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया जो हमने सबसे पहले देखा, दैट इज रिक्वायर्ड, पोजिशन वाइज जो भी आपका आर्ग्यूमेंट का वैल्यू है वो एलोकेट हो रहा है। नाउ सी द थर्ड वन, यहाँ पे वापस से हमने F1 फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू दी, क्या वैल्यू दी, राधा। तो अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि राधा वैल्यू नेम 1 को चली जाएगी, नेम 2 को तो कोई वैल्यू ही नहीं है, नेम 2 को वैल्यू देना जरूरी है, और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट भी नहीं बनाया है। ठीक है, डिफॉल्ट कैसे बनता है, जब हम फंक्शन डेफिनेशन देते हैं तो ही हमको यहाँ पे नेम 2 इज इक्वल टू समथिंग देना चाहिए था। सो हियर इट इज एक्टिंग एज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट ओनली, एंड रिक्वायर्ड के लिए जितने आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए उतने वैल्यूज आपको पास करने हैं, एंड हियर ओनली 1 वैल्यू इज पास, सो द प्रोग्राम इज गिविंग यू एरर, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट, नेम 2। ठीक है, सो फॉर द थर्ड केस दिस वन इट इज गिविंग यू एरर, फॉर द रेस्ट टू केसेस इट इज फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट वन
keyword argument, it is giving you answer, and second one is acting as a required argument. Okay. Again, one more example here. Display function liya DISP1 liya hai. और उसमें तीन वेरिएबल्स लिए, नेम, एज एंड सैलरी, किसी को भी डिफॉल्ट नहीं बनाया है. यू कैन सी नॉर्मल रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, लेकिन हम इसको कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हैं कॉलिंग के वक्त. तो हमने यहाँ प्रिंट किया नेम इज नेम, एज एज इज एज, सैलरी सैलरी. और यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लिए, तीन वेरिएबल्स लिए, एक एन लिया है, फर्स्ट इज एन, देन सेकेंड इज ए एंड थर्ड इज एस. एन में स्ट्रिंग वैल्यू पास की, ए में नंबर पास किया, एस में भी नंबर और डिजिट इंटीजर पास किया. नॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया DISP1. अब यहाँ पे कीवर्ड यूज किया, कीवर्ड कैसे, सैलरी वाला जो आर्ग्यूमेंट था वो हमने पहले लिखा और उसकी वैल्यू दे दी, सैलरी इज इक्वल टू एस. तो एस में क्या वैल्यू है, 35,000. तो सैलरी की वैल्यू हो गई 35,000. नेम जो कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था वो हमने यहाँ पे यूज किया. तो आप देख सकते हो यहाँ पोजिशन मैटर नहीं कर रही है, हमने आगे पीछे इसको यूज किया है, बट इट विल वर्क. वाई, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. तो नेम इज इक्वल टू एन, तो एन में क्या वैल्यू आ जाएगी, BMW. तो नेम में क्या वैल्यू आ जाएगी, BMW. सैलरी में वैल्यू आ जाएगी 35,000. और एज इज इक्वल टू ए, तो एज सेकेंड था लेकिन हमने उसको थर्ड पोजिशन पे यूज किया. एज इज इक्वल टू ए, तो ए में क्या वैल्यू है, 20. तो एज की वैल्यू जाएगी 20. सो हाउ इट विल प्रिंट, बट वी आर प्रिंटिंग इट लाइक दिस ना. सो नेम इज BMW, एज इज 20, सैलरी इज 35. ओके, तो यहाँ पे हमने पोजिशंस चेंज भी की तो भी प्रोग्राम ने एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे वी आर यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. सो रिमेम्बर दिस, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में इक्वल टू यूज करते हैं विद की एंड वैल्यू, दैट मींस वेरिएबल नेम और आर्ग्यूमेंट नेम एंड इट्स वैल्यू. सो वी कैन इंटरचेंज द पोजिशन, बट इट इज डन ओनली एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन. जबकि जब डिफॉल्ट बनाते हैं तो डिफॉल्ट के लिए हमको कहाँ पे करना पड़ता है, चेंज इक्वल टू करके at the time of definition only. Okay, so this is an example of keyword. Now we will see the last type of argument, that is variable length argument. Now what is variable length argument? Variable length argument is something jahan pe ek argument jisko ki hum variable length banate hain, aisa argument hai jiska hame pata nahi hai ki uski kitni values hame at the time of function calling will be given. Ek value bhi ho sakti hai ya ho sakta hai ek bhi value na di jaye. दो, वन भी हो सकती है, टू, थ्री, फोर. आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट. एक आर्ग्यूमेंट जिसको कि हमने वेरिएबल लेंथ बनाया तो उसकी लेंथ वेरिएट कर सकती है. लेंथ वेरिएट करने का मतलब है उसकी वैल्यूज जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू, थ्री, फोर एंड कितनी भी वैल्यूज हो सकती है. सो इसीलिए हम उसको आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट बनाते हैं या वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट बनाते हैं. तो कुछ सिचुएशन जिनमें कि हमें पहले से पता नहीं होता कि उस फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट यूज करने वाले उसमें कितनी वैल्यू आएगी, तो उसके लिए हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं. सो व्हेन वी यूज आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, देन द फंक्शन डेफिनेशन, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यूज एन एस्ट्रिक और स्टार बिफोर द पैरामीटर नेम. जिस भी पैरामीटर को मुझे वेरिएबल लेंथ बनाना है उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज स्टार. ठीक है, so let's take directly the example so you will understand it. तो एक example ले रहे हैं यहाँ पे. so यहाँ पे देखो आप एक function बनाया def और function का नाम दिया new function. तो new fun और यहाँ पे दो arguments लिए हैं. तो अभी आप देखो ध्यान से कि तो पहला argument है वो normally लिखा है name. तो ये जो name argument है, sorry, ये जो name argument हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका required argument है, इसका value आपको मिलना ही चाहिए. और जो भी पहला वैल्यू होगा दैट विल बी असाइन टू दिस नेम वेरिएबल. ठीक है, तो ये एक रेगुलर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह एक्ट कर रहा है. एक और आर्ग्यूमेंट हमने लिया, सेकंड आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट का नाम रखा है, वेरिएबल नाम, फेवरेट गेम, फेवरेट अंडरस्कोर गेम, फैव अंडरस्कोर गेम. तो ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है इसके पहले क्या लगाया है, स्टार. तो क्योंकि यहाँ इसके पहले स्टार लगा दिया तो ये जो फेवरेट गेम अंडरस्कोर गेम करके वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट है, this argument now becomes your variable length argument. यही आपका arbitrary argument या variable length argument आप बोल सकते हो. इसकी इसका मतलब जो ये favorite game argument है, इसमें आप एक value भी pass कर सकते हो, दो, तीन, चार, n number, या आपने कोई भी value नहीं दिया, मतलब कोई भी value pass नहीं किया तो भी ये काम करेगा. स्टार का मतलब होता है स्टार कैन टेक जीरो, वन, टू और अप टू n, एनी नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है,
अभी ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है, लेट्स सी द व्हाट इज द फंक्शन डेफिनेशन। अब ये तीन स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे दिए हैं ये सारे फंक्शन डेफिनेशन में है। सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट है, स्लैश एन मतलब लाइन चेंज हो जाएगी न्यू लाइन। जो भी नेम है, नेम में जो भी वैल्यू आएगी नेम वेरिएबल में, दैट विल बी प्रिंटेड हियर। लाइक्स टू प्ले उसके आगे स्ट्रिंग दिया है, दैट विल बी प्रिंटेड। और फिर एंड इज इक्वल टू, ये हमने डीलिमिटर यूज किया है यहाँ पे, क्या यूज किया, एंड इज इक्वल टू स्पेस, डबल कोट्स में एक स्पेस दिया, दैट मीन देयर विल बी अ स्पेस आफ्टर दिस, ठीक है। और इसके नीचे तुरंत हमने एक फॉर लूप यूज किया है, फॉर आई, ये फंक्शन के अंदर का ही पार्ट है, फॉर आई काउंटर वेरिएबल इन फेवरेट गेम, दैट मीन्स फेवरेट गेम में जितनी भी वैल्यू पास होंगी उस पे लूप चलेगा, क्योंकि फेवरेट गेम में एक वैल्यू भी आ सकती है, एक नई भी आई वैल्यू तो भी चलेगा, टू थ्री फोर एन नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है। तो जितनी भी वैल्यू आएगी वो एक एक करके प्रिंट होगी, प्रिंट आई एंड इज इक्वल टू स्पेस, तो एक एक वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। तो मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी नाम आएगा नेम आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। लाइक्स टू प्ले, जो भी फेवरेट गेम की वैल्यू होगी, अगर वो एक वैल्यू हुई तो वो एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर दो वैल्यू हुई तो स्पेस करके दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी यूजिंग दिस फॉर लूप। सो लेट्स सी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कॉलिंग। तो हमने ये एक फंक्शन बनाया न्यू फन, और इसको हाउ मेनी टाइम्स वी आर कॉलिंग, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स वी आर कॉलिंग विद डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। सो लेट्स सी द फर्स्ट कॉलिंग। तो पहला कॉलिंग में क्या किया, न्यू फन कॉल किया और पहली वैल्यू पास की आशय। वट एवर फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू दिस न्यू फंक्शन, दैट विल बी द वैल्यू फॉर द नेम आर्ग्यूमेंट। तो नेम वैल्यू में आ रहा है आशय, ठीक है। और उसके बाद फेवरेट गेम में एक ही वैल्यू पास की क्रिकेट, तो यहाँ पे कितना आर्ग्यूमेंट पास किया, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट को वन आर्ग्यूमेंट ओनली, फेवरेट गेम को कितने आर्ग्यूमेंट जा रहा है, ओनली वन, ठीक। अब फेवरेट गेम में वन वैल्यू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में, अभी देखो नेक्स्ट लाइन मतलब आउटपुट के स्क्रीन के बाद एक लाइन आ गई, और फिर क्या प्रिंट कर रहा है, आशय, सो आशय इज प्रिंटेड। लाइक्स टू प्ले इज प्रिंटेड, और उसके बाद एक स्पेस आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्स्ट्रा स्पेस आया है, और फिर लूप चलेगा, तो लूप एक ही बार चलेगा क्योंकि फेवरेट गेम में एक ही वैल्यू है, तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आई, आई में क्या वैल्यू है, क्रिकेट, तो आशय लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस फर्स्ट लाइन, दिस वन, ओके, इस लाइन का आउटपुट है ये। नाउ सी द सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन कॉलिंग, अगेन न्यू फंक्शन इज कॉल्ड, बट अब इसके बाद क्या किया, कैसे कॉल किया, पहला वैल्यू दिया नीता, दूसरा वैल्यू दिया चेस, और उसके बाद एक कॉमा लगाया है, देन अगेन अ कॉमा, ये कॉमा डबल कोट्स के अंदर है तो ये पूरा एक स्ट्रिंग है, व्हाट इज स्ट्रिंग, दिस होल इज स्ट्रिंग यहाँ तक, ठीक है। और फिर थर्ड वैल्यू दिया, सॉरी थर्ड वैल्यू इज कैरम, तो ये चेस और कैरम दोनों किसकी वैल्यू है, फेवरेट गेम की, और मीता वैल्यू किसकी है, नेम की। तो क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं तो इन दो वैल्यूज को एग्जीक्यूट करने के लिए ये लूप टू टाइम्स रन करेगा और दो टाइम्स ही वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, मीता लाइक्स टू प्ले, पहले क्या उसने प्रिंट किया, चेस, और फिर सेकेंड वैल्यू क्या प्रिंट की, कॉमा करके कैरम, ओके। नेक्स्ट न्यू फन, राधा नेम को दिया जाएगा, बास्केटबॉल कैरम एंड चेस। तो अब ये जो तीन वैल्यूज हैं, बास्केटबॉल कॉमा कैरम कॉमा एंड चेस, दीज थ्री वैल्यूज विल बी प्रिंटेड यूजिंग दिस फॉर लूप थ्री टाइम्स, ओके। तो राधा लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल कैरम एंड चेस, तो यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट्स पास किए। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें कि न्यू फंक्शन कॉल किया है ओनली विद वन वैल्यू, तो ये आयुष वैल्यू तो मैंडेटरी जो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है उसको मिलेगी नेम को, फेवरेट गेम के लिए हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पास नहीं, तो नो आर्ग्यूमेंट पास टू दी वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट और आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। तो क्योंकि कोई भी वैल्यू पास नहीं थी तो वो उसको ब्लैंक रखेगा और वो सिंपली क्या करेगा, आयुष लाइक्स टू प्ले एंड दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वाई, और इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो वैल्यू इन द फेवरेट गेम। सो वेरिएबल लेंथ वर्क्स लाइक दिस, ओके। सो दिस कंप्लीट्स योर वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स।